अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन कोफ्ता करी। इसके लिए सबसे पहले 3 अदद मैंने प्याज लिया है, उनको हम चॉप कर लेंगे। और 2 क्यूब इतने साइज़ की जिंजर और गार्लिक, उसकी पेस्ट हमने इस तरह से क्यूब्स बना के रखे हैं। आप यानी 1 जवा लहसुन पूरा ले लें, और जो अदरक है वो भी आप ले लें, 1 इंच का टुकड़ा ले लें, और दोनों को एक साथ इस तरह आप अच्छे से चॉप कर लें। प्याज और अदरक लहसुन यहाँ पे चॉप हो चुका है, तो इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सेम चॉपर में यहाँ पे कीमा, ये मटन का कीमा है जो कि 800 ग्राम है, इसको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। कोफ्ता के लिए आप अगर फैट वाला कीमा लें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे जो फ्रेश कोकोनट है वो मैंने 1/3 कप यूज़ किया है, आप जो ड्राई कोकोनट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया है, नमक भी 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें डाला है। सूखा धनिया यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे 2 अदद अंडे इसमें मैंने शामिल किए हैं, इसको डाल के अच्छे से हम चॉप कर लेंगे, यहाँ तक कि सारे जो मसाले जाते हैं वो कीमे में यकजान हो जाए। यहाँ पे पार्सले मैंने डाला है 1 कप, इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया उसको। क्योंकि ये ग्रीन कोफ्ता करी है तो इसलिए इसमें मैंने पार्सले ज़्यादा शामिल किया है, ताकि थोड़ा ग्रीन कलर आए इनका। यहाँ पे कीमा हमारा इस तरह से अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे इसको हम कीमे को शामिल करेंगे, जब प्याज और अदरक लहसुन हमने इस तरह से चॉप किए थे, और हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमा यहाँ पे हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम हाथों पे ऑयल लगाएंगे, और उसके बाद कोफ्ते आप जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं इस तरह से हम उसको कोफ्तों के बॉल्स बना लेंगे। सारे कोफ्ते इस तरह से बना के रख लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। कोफ्ते यहाँ पे बन चुके हैं, तो इस तरह से नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है, और कोफ्ते जो है हमारे, हम इनको बस इनको शैलो फ्राई करना है कि थोड़ी सी बस इनकी शेप आ जाए। उसके बाद क्योंकि असल में जो इनका पकाना, यहाँ पे हम हाफ कुक करेंगे, बाकी ये ग्रेवी में पक जाएंगे। एक साइड से जब ये पक जाए तो उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें, दूसरी तरफ से पकाएं।
बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना, लाइट ही रखें इसको। इस तरह से कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल के प्लेट में अलग से रख लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है 1/3 कप और 2 कप प्याज लिए हैं। इस तरह से आप उनको स्लाइस में कट कर लें। यहाँ पे जो फ्रेश खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट वो मैंने 1 कप लिया है, उसको इस तरह से मैंने ब्लेंडर में शामिल किया है। और पार्सले वो भी मैंने 1 कप लिया है, एक यानी बड़ा जो उसका बंच होता है पूरा आप ले लें, ताकि अच्छा सा इसका रिच ग्रीन कलर आना चाहिए। और सब्ज मिर्चें यहाँ पे मैंने शामिल किया है 9 से 10 अदद। यहाँ पे नमक इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून, और पानी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप, और उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। और ऑलिव ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है 3 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल डाल के उसके बाद अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे, और इस तरह इसकी प्यूरी बन जाएगी। प्याज बस आपने इस तरह इतने फ्राई करने हैं कि ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी इस तरह से लाइट ब्राउन कलर हो, गोल्डन ब्राउन यानी वाइट हो ज़्यादातर। उसके बाद जो हमने ग्रीन ये ग्रेवी बनाई थी, ग्रीन जो हमने सॉस बनाई थी, इस तरह से वो इसमें शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हा हम यहाँ पर हल्का कर देंगे। देखिए बहुत प्यारा कलर है इस तरह से ग्रीन। उसके बाद जो कोफ्ते हमने फ्राई किया वो एक एक करके सारे इसमें रखेंगे, और इसमें 2 कप पानी शामिल करके हम इसको कवर करके पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, यहाँ तक कि जो हमने ये सॉस बनाई है उसका जो फ्लेवर है वो कोफ्तों के अंदर चला जाए, कोफ्ते अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, या रोटी, या नान, या पराठे के साथ। मैंने इसको सर्व किया था पास्ता बॉईल करके, तो वो भी एक डिफरेंट था, अच्छा टेस्ट था, उसका भी मज़ा आया था इस तरह से। तो इस तरह माशाल्लाह से हमारे बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार ग्रीन कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।